Go
Gopal, 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 Jai Jai Nanda Yashoda Dulal. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Radhe. Gaiye, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Radhe. Jagannath, Jagannath, Baladeva Jaya Subhadra. Jagannath, Jagannath, Baladeva Jaya. Gauranitai jai Gauranitai, Gauranitai jai Gauranitai, Gauranitai jai Gauranitai, Gauranitai jai. Ah, Prabhupada, 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 Srila, Prabhupada, 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 Srila, Jaya, Jaya, Prabhupada, 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 Jaya, Jaya, Prabhupada, 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 Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Yudharma Harinam Sankirtan ke ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की शिष्य राधा श्याम सुंदर भगवान की उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्तवृंद, जैसे कि प्रारंभ में अनंत शेष प्रभु ने निवेदन किया कि भारत के भिन्न भिन्न स्थान से अनेकों भक्तगण प्रतिदिन इस पवित्र श्रावण मास में सुंदर कृष्ण कथा भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस संसार में सब लोग विजयी होना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम सक्सेस हो, फिर चाहे स्टूडेंट हो, फिर चाहे कोई बिजनेसमैन हो, या फिर कोई चाहे जॉब कर रहा हो, या फिर हमारे आध्यात्मिक जीवन में कोई साधक भक्त क्यों ना हो, संसार में सभी लोग सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि इस संसार में हम लोग तब तक सफल नहीं हो सकते, सक्सेस नहीं हो सकते। भक्तों, ये सफल होने का सिलसिला केवल इसी जन्म में नहीं है, अनंत अनंत जन्मों से हम सब सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, परंतु अनंत अनंत जन्मों से हम हार रहे हैं, हमारे जीवन में पराभव हो रहा है। यदि इस हार से, इस पराभव से हम बचना चाहते हैं, भगवान ऋषभदेव ने कहा पराभवस्तावद बोध जातो, ये हारना तब तक बंद नहीं होगा। कहते हैं यावत जिज्ञासत आत्म तत्व, जब तक संसार के जीव आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करेंगे तब तक संसार में हारते रहेंगे, संसार में लॉस करते रहेंगे। और जिस दिन व्यक्ति आत्म तत्व, परमात्म तत्व, भगवत विषयक जिज्ञासा करने लगता है, तब से जीवन में प्रत्येक मोड़ पर वे विजयी होते चलता है, वे विजयी होते जाता है। इसलिए पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद अंत में संजय जी ने अपना मत दिया कि धृतराष्ट्र महाराज, और कुछ समझ में आए या ना आए, इतना समझ लीजिए कि यत्र योगेश्वर, जहां पर योग योगेश्वर कृष्ण है, जहां कृष्ण के शुद्ध भक्त है, वहीं पर जीत है, वहीं पर विजय है, वहीं पर सक्सेस है। सो भक्तों, जीवन की बाजी को जीतना चाहते हैं तो
भगवत कथा, भगवत विषयक ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। साथ ही साथ भगवत विषयक ज्ञान किसी शुद्ध संत, भगवान के शुद्ध भक्त के माध्यम से मिल जाए तब तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने एक बहुत सुंदर बात बताई और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इस बात को कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे उत्तम कार्य यदि कोई है तो वह है यज्ञ करना, और द्रव्य यज्ञ से कोटि गुना उत्तम है ज्ञान यज्ञ करना। ज्ञान यज्ञ में भी उत्तम है श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान को ग्रहण करना, और श्रीमद् भागवत ज्ञान को ग्रहण करने से उत्तम है किसी वैष्णव के मुख से भागवत का श्रवण करना, और सबसे उत्तम श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि सबसे उत्तम यदि कोई संसार में वस्तु है तो एक और मात्र एक भगवान के शुद्ध भक्त के मुख से भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनना। सो भक्तों, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब भगवत कथा सुनने का अवसर मिले, किसी शुद्ध भक्त से भगवत कथा सुनने का अवसर मिले, तो दुनिया के सारे कार्य को छोड़कर भगवत कथा सुनना यही जीव का सबसे बड़ा धर्म है। सो आज हमारा परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों की लेखनी को पढ़कर, श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त करते हुए हम भगवत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। भक्तों, जीवन में लाखों करोड़ों लोग मिलते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संगति कभी न करें जो भजन न करते हो। बहुत सुंदर शास्त्र के एक श्लोक में कहा गया है, श्लोक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कृष्णम कमल पत्राक्षम नार्चयिष्यन्ति ये नराः, जीवन मृतासु ते गेया न संभाव्या कदाचन। बहुत सुंदर श्लोक है, कहते हैं कृष्णम, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, कमल पत्राक्षम, कमल के पत्ते के आंखों के समान भगवान श्री कृष्ण की आंखें हैं, सर्वांग सुंदर कोमल और सुगंधित हैं, और ऐसे भगवान श्री कृष्ण की ये नरा माने जो मनुष्य न अर्चयंती, जो मनुष्य ऐसे सुंदर सर्वाति सुंदर भगवान श्री कृष्ण की अर्चना नहीं करता, सेवा नहीं करता, भक्ति नहीं करता, तो कहते हैं उसका जीवन जीवन मृतासु ते गेया, कृष्ण की भजन भक्ति किए बिना जो जीवन जी रहा है वह जीवन जीते हुए मृतास्तु, वो मरा हुआ है, वो जी तो रहा है लेकिन वो जीवित नहीं, वो जिंदा लाश है, वो मरा हुआ है। ते गेया अर्थात ऐसा समझना चाहिए। और अंत में हमारे लिए बहुत सुंदर बात कही, न संभाव्या कदाचन, कभी भी ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति न कर रहा हो, भगवान श्री कृष्ण की सेवा न कर रहा हो। सो भक्तों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी संस्था में हैं जिस संस्था में भगवान श्री कृष्ण के भक्त और भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों की संगति हमें प्राप्त हो रही है। भक्तों, कृष्ण जन्म निकट आ रहा है, मैं विस्तार से तो नहीं, जस्ट आपको एक पॉइंट बता दूं। आपने देखा होगा कि जब पृथ्वी देवी को कष्ट हुआ, भूमि द्रुप्त नृप व्याज दैत्यानिक शतायुते आक्रांत भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो, देवी पृथ्वी ब्रह्मा के पास गई, गौ भूतवा अश्रुमुखी खिन्ना क्रदंती करुणम विभो, गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा तद उपधारियाथ, ब्रह्मा ने उन दुखों को सुना, फिर ब्रह्मा जी उस दुख को दूर नहीं कर पाए तो ब्रह्मा जी उस पृथ्वी को लेकर देवराज इंद्र नारद शिव सभी देवी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। ये बात आप सब जानते, मैं स्मरण करा रहा हूं। और फिर क्या हुआ, पुरुष सूक्त स्तुति हुई, उन सारे देवताओं ने मिलकर कीर्तन किया और उस कीर्तन से भगवान विष्णु प्रसन्न और गिरह समाधो गगने समीरिता,
भगवान की आकाशवाणी हुई और भगवान ने निवेदन किया, ब्रह्मा जी चिंता मत करो, कुछ ही दिन के बाद भाद्रपद अष्टमी तिथि रात को 12 बजे मैं वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुष पर मैं वसुदेव के घर पर जन्म लूंगा, प्रकट होऊंगा। ये बात आप सब जानते हैं। मुझे जो पॉइंट बताना है वो ये है, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी और इंद्र को कहा कि मैं बहुत जल्द धरती पर अवतार लेने वाला हूं, परंतु मुझे लीला में हेल्प मिले, मुझे लीला में सहायता मिले, इसलिए हे देवताओं आप सब लोग अपने एक एक अंश से धरती पर व्रज वृंदावन में जन्म ले लो, ताकि मैं आपके साथ मिलकर लीला कर सकूं, मुझे लीला में सहायता मिलेगी। इतना कह के भगवान की वाणी बंद हो गई। और उस समय लीडर कौन थे? ब्रह्मा जी और इंद्र देवता। इंद्र देवताओं के राजा हैं और ब्रह्मा जी देवताओं में ज्येष्ठ हैं, ये दोनों लीडर थे। श्रीपाद जीव गोस्वामी और चक्रधिपाद ऐसा लिखते हैं कि इंद्र और ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा कि हे देवताओं भगवान ने कहा है कि आप सभी अपना एक एक अंश लेकर ब्रज में गोप गाय सखा बन जाओ, ताकि कृष्ण को लीला करने में सहायता मिले। तो इंद्र और ब्रह्मा दोनों लीडर थे और दोनों ने सबको आदेश दिया और सारे देवी देवता ब्रज में गाय बन गए, गोप बन गए, गोपी बन गए, बछड़ा बन गए, सब लोग ब्रज में सेवा में लग गए। लेकिन भक्तों दो लोग सेवा में नहीं लगे, सारे 33 करोड़ देवी देवता सेवा में लग गए, लेकिन दो लोग सेवा में नहीं लगे, एक ब्रह्मा जी और दूसरे इंद्र। ये दोनों अपने अपने घर जाकर सो गए। कभी कभी हम जैसे लीडरों की ऐसी हालत होती है कि बोलने के लिए लोगों को सेवा में लगा देते हैं, लोगों को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, कथा सुना देते हैं, लेकिन खुद घर जाके सो जाते हैं। सुनने वाले बेचारे बड़ी सेवा करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हम जैसे लीडर स्थूल अवस्था में चले जाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य सभी देवी देवताओं ने भगवान की सेवा की, इसलिए भगवान की लीला का लाभ ले सके, लीला का आनंद ले सके। लेकिन दो ऐसे देवता जो भगवान की सेवा नहीं किए, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इन दोनों देवताओं ने भगवान को पहचान नहीं पाए। नहीं तो आप विचार कीजिए, 33 करोड़ देवी देवताओं में केवल दो बंदे ऐसे निकले जो भगवान को पहचान नहीं पाए। यद्यपि भगवान की वाणी सुने थे, सब लोग एक साथ, सबकी स्थिति समान थी, लेकिन बाकी सारे देवी देवताओं को भगवान समझ में आए, केवल दो को नहीं आए, ब्रह्मा और इंद्र। क्योंकि ये दोनों लीडर होकर भी सेवा नहीं कर रहे थे, हैं? और यहां तक कि ब्रह्मा जी कृष्ण के का दर्शन करने गए और भोजन स्थली पर लीला, आप जानते हैं कि गोप ग्वाल सखाओं के साथ जूठा खा रहे थे, जूठन खिला रहे थे, तो ब्रह्मा जी परीक्षा लिए और परीक्षा लेकर जब उनको पता चल गया कि ये भगवान है तो हाथ जोड़कर चरणों में गिर गए। वहां इंद्र की भी यही हालत हुई, कृष्ण को पहचान नहीं पाए और सांवर तक मेघ बरसाया। सो कुल मिलाकर वह व्यक्ति संसार में धन्य है, ऐसे व्यक्ति की संगति करनी चाहिए। इस श्लोक में यही कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति की संगति करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति के मुख से भगवत कथा सुननी चाहिए जो भगवान का शुद्ध भक्त है और भगवान की पूर्ण सेवा में लगा हुआ है। भक्तों हम लोग इतने धन्य हैं कि हम सब प्रभुपाद जी की संस्था में हैं, और श्रील प्रभुपाद की संस्था में ऐसे ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जिनके मुखारविंद से हम कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनते हैं और जीवन को धन्य करते हैं। भक्तों मैं मेरे जीवन का एक निजी अनुभव बताऊं। सोलापुर में हमारी भागवत कथा थी और उन्हीं दिनों परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज सोलापुर में आए थे, तो उनका दर्शन मिला, उनके मुखारविंद से भगवत कथा सुनने का अवसर मिला। फिर दास को जिज्ञासा हुई तो हम स्वयं महाराज श्री के पास गए और महाराज जी की उस समय तबीयत बराबर नहीं थी,
तो मैं परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज के चरणों में बैठा था और उनकी बड़ी कृपा है हम पर। तो मैंने लोकनाथ महाराज को कहा कि महाराज श्री, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप अभी दूर से आए, आकर आप प्रवचन किए, आगे आपका शेड्यूल इतना है। तो जस्ट एक एक महाराज जी का हमारी प्रति एक वात्सल्य भाव है, प्रेम है। तो जस्ट मैंने ऐसा कहा, महाराज जी अब आप इतनी भागदौड़ मत कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, आपकी कृपा से आपने हम सबको तैयार किया है, तो हम लोग भाग दौड़ रहे हैं, जवान हैं, आप रेस्ट कीजिए। और उस समय लोकनाथ महाराज ने जो निवेदन किया, गुरुदेव ने उस समय जो हमें जो बात बताई, भक्तों मेरा दिल गदगद हो गया। उस समय लोकनाथ महाराज ने कहा कि लाल गोविंद, अब ये रेस्ट जो है, ये जो आराम है, वैकुंठ में पहुंचने के बाद ही होगा, वैकुंठ में पहुंचने तक आराम नहीं किया जाएगा। तो ये हैं हमारे इस्कॉन के गुरुजन, ये हैं हमारी संस्था के भक्तगण। जो श्रील प्रभुपाद भागवत के तात्पर्य में लिखते हैं, जो भागवत को, शास्त्र को पढ़ता है, मनन करता है, वो मात्र मुनि है, परंतु जो व्यक्ति भागवत को पढ़कर 2400 घंटा सेवा करता है वो महामुनि है। और गृहस्थ को चाहिए ऐसे महामुनियों की संगति करें। सो परम सौभाग्य है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसे आचार्यों के सानिध्य में रहकर हम कुछ भगवत कथा सुनते हैं और फिर इसे यह प्रसाद बांटने का प्रयास संसार में करते हैं। तो आज हिज ग्रेस अनंत शेष प्रभु ने मुझे कालिय दमन लीला कहने का यहाँ पर मौका दिया है। मैं सोच रहा था कालिय दमन लीला क्यों, लेकिन फिर पता चला कि मैं खुद कालिया जैसा हूँ। जिस प्रकार से कालिया था तो मुझे, मेरी पर्सनालिटी सूट करती है। सो कालिय दमन लीला आज हमें सुननी है। कुछ दिन पहले भागवत कथा के दौरान गोपी गीत के सब्जेक्ट के ऊपर कथा थी और उस समय गोपी गीत के कुछ श्लोक हमने गाए और थोड़ा सा आस्वादन करने का प्रयास किया। अब जब कालिय दमन की लीला कथा बोलनी है कुछ क्षण, तो एक काम करते हैं, गोपियों के वचन का आश्रय लेकर हम कालिय दमन की लीला का श्रवण करेंगे। तो यह श्रीमद् भागवत दसम स्कंद 31वां अध्याय और 7वां श्लोक एक बार गा लेते हैं, प्रभुपाद के उस अर्थ और तात्पर्य को पढ़कर हम इस लीला को समझने का प्रयास करेंगे। प्राणत देहिनाम पाप कर्षणम् त्रिणचरानुगम श्रीनिकेतनम्। आप गा सकते हैं, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम् त्रिणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् क्रोणोकुचेषु न क्रिन्धिरीचयम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् क्रोणोकुचे शुना क्रिन्धिरीचयम्। श्रीमद् भागवत दसम स्कंद 31वां अध्याय 7वां श्लोक।
हालांकि श्रील प्रभुपाद भागवत का अनुवाद करते हुए 31वें अध्याय तक नहीं पहुंच पाए, परंतु श्रील प्रभुपाद के विनीत शिष्यों के द्वारा इसका अनुवाद किया गया, उसे हम पढ़ेंगे। हे कृष्ण, आपके चरण कमल, आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। वे ही चरण गौओं के पीछे पीछे चरागाहों में चलते हैं और लक्ष्मी जी के दिव्य धाम है। चूंकि आपने एक बार उन चरणों को महासर्प कालिय के फनों पर रखा था, अतः अब आप उन्हें हमारे हृदय पर रखें और हमारे हृदय की काम वासना को छिन्न भिन्न करें। श्रील प्रभुपाद की जय। सो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद के विनय शिष्यों के द्वारा यह अनुवाद है। गोपियों ने कालिय दमन लीला किस पॉइंट पर, किस सब्जेक्ट में याद की? जब गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान हुआ, जब गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों की याद आई, तब गोपियों ने कालिय नाग को याद किया। गोपी गीत में गोपियों की चार मांग है। गोपियों ने ज्यादा कुछ नहीं मांगा। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं मांगी। गोपियों ने चार वस्तु मांगी। सबसे पहले, हे श्री कृष्ण, आप अपना हस्त कमल, कर कमल हमारे मस्तक पर रखिए। दूसरा, हे कृष्ण, आप अपना मुख कमल, अपना चेहरा हमको दर्शन करा दीजिए। तीसरा, हे कृष्ण, आप अपना चरण हमारे हृदय पर रख दीजिए। और चौथा, हे कृष्ण, आप अपने अधर अमृत का पान हमें करा के हमें जीवित कर दीजिए। तो जो ये तीसरी मांग थी, कृष्ण के चरणों की मांग जब गोपियां करने लगी, तब गोपियों ने इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महिमा बताई। गोपियां कृष्ण के चरणों की महिमा बताते हुए कहती हैं कि प्रणत देही नाम। सबसे पहली महिमा कृष्ण यह है कि संसार के जीव आपके चरणों में प्रणति, आपके चरणों में झुकते हैं। संसार के जीव आपके चरणों में आपको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके अपनी सारी कामना, अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। सो प्रणत देही नाम, कृष्ण के चरण की पहली महिमा, कृष्ण संसार के जीव आपको प्रणाम करते हैं और जो जीव आपको प्रणाम करे वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। कृष्ण को प्रणाम करने की बड़ी महिमा। भक्तों, भागवत का सार यही है। पूरा भागवत कथा, पूरी भागवत कहने के बाद सूत जी नैमिषारण्य में कहते हैं कि भागवत के केवल दो सार हैं, नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम का कीर्तन करो, और प्रणामो दुख शमनम, भगवान को प्रणाम करो। तो प्रणत देही नाम, कहते हैं देहधारी जीव यदि भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है तो भगवान कृष्ण उनके सारे पापों को हर लेते हैं, उनके सारे पापों को खींच लेते हैं। और श्रील प्रभुपाद यहां पर दृष्टांत देते हैं नल कुबेर मणि ग्रीव का। एग्जैक्ट, प्रभुपाद तो प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद ने परफेक्ट यहां पर बात बताई कि ऐसा कौन जीव है, तो कहते हैं नल कुबेर मणि ग्रीव, जिन्होंने मात्र भगवान को प्रणाम किया, सारे पाप खत्म हो गए और भगवान के धाम में वे पार्षद बन गए। सो प्रणत देही नाम पाप कर्षनम, आप सारे पापों को हर लेते हैं। और इतना ही नहीं, त्रिनचरानुगम, त्रिनचर घास खाने वाले गाय और बछड़े के पीछे आपके चरण दौड़ते हैं, ये भी कृष्ण के चरणों की महिमा है। कहीं संसार के जीव को ऐसा ना हो जाए कि कृष्ण के चरणों को प्राप्त करना कठिन है, इसलिए गोपियां कहती हैं त्रिनचर अनुगम, कृष्ण आपके चरण जब पशुओं के पीछे दौड़ सकते हैं तो मनुष्य के पीछे क्यों नहीं दौड़ सकते। और उसमें भी यदि कोई आपका नाम ले, आपका कीर्तन करे, आपका भजन करे, तो आपके चरण उसके पीछे क्यों नहीं दौड़ेंगे। तो कृष्ण के चरण की महिमा त्रिनचर अनुगम। और आगे कहते हैं चौथी महिमा, श्री निकेतनम, श्री माने लक्ष्मी जी, कृष्ण
आपके चरण ऐसे हैं जो लक्ष्मी जी रात दिन 2400 घंटा आपके चरण की सेवा करती हैं, आपके चरण का सम्मान करती हैं। जीव गोस्वामी ने कहा यहाँ पर श्री का अर्थ राधा रानी भी हो सकता है कि जिन चरणों की सेवा श्रीमती राधा रानी करती हैं या लक्ष्मी जी करती हैं। लेकिन मुख्य पॉइंट अब आ रहा है कि कृष्ण आपके चरण ऐसे हैं फणि फणार्पितम, सहस्त्र फैन वाले कालीय नाग के ऊपर आपने अपने चरण क्या रख दिए, कालीय नाग का आपने कल्याण कर दिया, उस कालीय नाग का आपने उद्धार कर दिया। सो भगवान श्री कृष्ण के इस चरण की अद्भुत महिमा गोपियों ने इस श्लोक में बताया और गोपियों ने कालीय नाग का स्मरण किया। श्रीमद् भागवत में कालीय नाग की कथा है। सबसे पहले हम कालीय नाग के पूर्व जन्म के विषय में जान लें, क्योंकि भागवत की कथा तो प्रायः हम सब जानते ही हैं, उसका आस्वादन करेंगे जितना समय मिलेगा। लेकिन अन्य पुराणों में गर्ग संहिता में कालीय नाग के पूर्व जन्म की कथा है। सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि किस प्रकार से ये कालीय नाग पहले बहुत बड़ा ऋषि था। कालीय नाग जो थे वो बहुत बड़े ऋषि थे और उनका नाम था वेदशिरा ऋषि। ऐसा वर्णन है कि स्वयंभू मन्वंतर में भृगु वंश में एक बहुत बड़े ऋषि का जन्म हुआ और उस ऋषि का नाम था वेदशिरा ऋषि। और वेदशिरा ऋषि विंध्य पर्वत के ऊपर भयंकर तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे विंध्य पर्वत पर वेदशिरा ऋषि। और उसी समय विंध्य पर्वत पर अश्वशिरा नाम के ऋषि आए। अब देखिएगा, अब एक साधु बेचारा तपस्या कर रहा है विंध्य पर्वत पर, दूसरा साधु आया, तो वेदशिरा ऋषि तपस्या कर रहे थे, अश्वशिरा नाम के ऋषि आए और वो भी वहां तप करने लगे। तो वो जो वेदशिरा ऋषि कहने लगे, भाई ये मेरा जोन है, ये अपना एरिया है और मेरे एरिया में और कोई प्रीचिंग नहीं कर सक, मीन्स कोई आ नहीं सकता। तो उस अश्वशिरा ऋषि ने कहा कि भाई ये भूमि गोपाल की, कृष्ण की है, सब भूमि गोपाल की, सब भूमि कृष्ण की, तुम्हारा कोई एग्रीमेंट किया है यहाँ पर? यदि ये भूमि तुमने खरीदी है तो 7-12 का पेपर दिखाओ, एग्रीमेंट, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन दिखाओ। वेदशिरा ऋषि ने कहा ऐसा तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए ये भूमि मेरी है। तो अश्वशिरा ऋषि ने कहा कि आप आए न आए, ये भूमि पर किसी का कोई एग्रीमेंट नहीं है, मैं भी यहां पर तपस्या करूंगा। ये वैरागी विरक्त साधु ये भूमि को लेकर झगड़ा करने लगे। भक्तों, कभी कभी क्या होता है, मैं मेरे जैसे भक्तों की बात कर रहा हूं, आप सब तो शुद्ध भक्त हैं, प्योर डिवोटी है, बस अब वैकुंठ के दरवाजे पर आप लोग पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा बाकी रह गया है। मैं मेरे जैसों की बात कर रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है, हम भक्त लोग बड़ी बड़ी वस्तु छोड़ देते हैं, हम भक्त लोग बड़ी बड़ी वस्तु त्याग देते हैं, लेकिन छोटी छोटी वस्तु में फंस जाते हैं। न धनम, न जन्म, न सुंदरी, ये तो सब त्याग देते हैं क्योंकि ये तो रोज सुबह मंगला आरती में बोलना, लेकिन कभी कभी बड़ी बड़ी वस्तु को त्याग कर हम लोग छोटी छोटी वस्तु में फंस जाते हैं। हमारे भारत का एक इतिहास है भक्तों, उज्जैन में मालवा का एक बहुत बड़ा राजा हुआ इतिहास में, जिसका नाम था भर्तुहरि। 1800 रजवाड़ों का राजा था वो, राजा भर्तुहरि, बहुत बड़े राजा थे। और उनकी पत्नी का नाम था पिंगला, और फिर एक घटना घटी और उस घटना में राजा भर्तुहरि को वैराग्य हो गया और सन्यासी बनकर वन में चले गए। और उसी राजा भर्तुहरि का की बहन का लड़का भांजा, जिसका नाम था गोपी चंद, ये गोपी चंदन लगाते ना तो न को निकाल दीजिए, गोपी चंद, तो गोपी चंद, तो वो भी राजा था, वो राजकुमार था। लेकिन जब वो समझदार हुआ, बड़ा हुआ, तो उनकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिता का देह ऐसा ही था और एक दिन उसको मरना पड़ा, तुम्हें भी एक ना एक दिन मरना है। यह सुनकर गोपी चंद को भी वैराग्य आ गया, उसने भी अपने राज्य को छोड़ दिया, सन्यास लेकर वन में चला गया।
अब एक और गोपीचंद ने अपना पूरा राज रजवाड़ा छोड़ा, वहां भरतुर ने 1800 रजवाड़े, नौकर चाकर दास दासी सब कुछ त्यागा और दोनों संन्यास बनकर वन वन भटकने लगे और भजन साधना आदि करने लगे। अब एक दिन की बात, भर्तुहरि किसी एक गांव में पहुंचे, अपना झोला, साधु के पास झोला होता है ना, अपना झोला, उस एक पेड़ था, एक वृक्ष था, वृक्ष की खूंटी पर अपने झोले को टांग दिए और फिर वहां सो गए। घंटे दो घंटे सोए, उठकर कुछ भोजन पानी मधुकरी करने गए, झोला टंगा हुआ था, मधुकरी करने गए, तब तक वो गोपीचंद आए। गोपीचंद आए, सोचा कि बहुत अच्छा वृक्ष है, छांव है, वो आकर सो गए। वो भर्तहरि जब वापस आए तो गोपीचंद को जगाया। अब दोनों दोनों रिलेटिव थे लेकिन साधु के वेश में कोई पहचान नहीं पा रहा था, तो कहा कि ये मेरी जगह है, यहां से खड़े हो जाओ। बोले जब मैं यहां पर आया तो ये जगह खाली थी, इसलिए ये मेरी जगह है। अब साधु के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। भर्तहरि ने कहा कि ये जो खूंटी लगी हुई है, इस खूंटी पर मेरा झोला टंगा हुआ है, इस खूंटी पर मेरा झोला टंगा, इसलिए ये जगह मेरी है। गोपीचंद कहने लगा, मैं आया तब यहां कोई नहीं था, जगह मेरी है। ये बातचीत करते 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 झगड़ा होने लगा और झगड़ा फिर हाथापाई पर आ गया, एक दूसरे को हाथ लात मारने लगे। अब दो साधु जब झगड़ा करने लगे तब वहां से एक बूढ़ी औरत निकली, एक बुढ़िया औरत निकली और उसने कहा कि तुम लोग साधु होकर झगड़ा कर रहे हो, तुमने राजा भर्तहरि का नाम सुना है, राजा गोपीचंद का नाम सुना है, राजा भर्तहरि 1800 रजवाड़े को त्याग कर साधु बन गया, वो गोपीचंद राजकुमार अपने सारे रजवाड़े को त्याग कर साधु बन गया, ये लोग सब कुछ त्याग कर साधु बन गए और तुम लोग साधु होकर खूंटी के लिए झगड़ा कर रहे हो। तब जाकर इन दोनों के मन में विचार आया, यार इतने राज रजवाड़े छोड़े और यहां आकर इस खूंटी में आसक्त हो गए। कहने का अर्थ यह है कि हमारे जैसे जो भक्त है ना, कभी कभी बड़ी बड़ी चीजों को त्याग देते हैं, छोटी छोटी वस्तु में फंस जाते हैं। तो भृगु वंश में ये बहुत बड़े ऋषि हुए जिसका नाम था वेदशिरा ऋषि, और वे विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और अश्वशिरा आए, बोले ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है। और ये करते करते अश्वशिरा ऋषि ने वेदशिरा ऋषि को श्राप दे दिया, बोले मैं यहां पर भजन साधन करने आया हूं, तप करने आया हूं, और तुम सांप की तरह फुफकार मार रहे हो, सांप की तरह मुझे फुफकार दे रहे हो। सो अश्वशिरा ऋषि ने श्राप दे दिया वेदशिरा ऋषि को कि सांप की तरह फुफकार मारो, मैं श्राप देता हूं कि तुम सांप बन जाओ। वेदशिरा ऋषि ने कहा कि तू कब से यहां पर आया है और कहां 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 कर रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू कौवा हो जा। अब एक ने श्राप दिया सांप हो जा, दूसरे ने दिया कौवा हो जा, दोनों के बीच में श्राप ही चल रही थी। उसी समय भगवान विष्णु आए। हमारे भगवान विष्णु मुंबई पुलिस की तरह घटना के बाद ही पहुंचते हैं। अब दो मिनट पहले आ गए होते तो कोई प्रॉब्लम था इनको, लेकिन नहीं, श्राप दे दिया, बाद में आए। वहां पर जय विजय और सनकादिक की घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जैसे यहां पर सनकादिकों ने जय विजय को श्राप दिया और वहां से विष्णु का आना, दो मिनट जल्दी आ गए होते बेचारे जय विजय बच जाते, लेकिन भगवान की लीला भगवान ही जाने। यहां पर क्या हुआ, भगवान विष्णु आए और थे तो दोनों साधु, दोनों ऋषि मुनि, वेदशिरा और अश्वशिरा, दोनों भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए और कहा कि इसने मुझे श्राप दिया कि मैं सांप हो जाऊं, मैंने भी उसको श्राप दिया कौवा हो जाऊं, तो प्रभु मैं सांप हो बनूंगा, ये कौवा बनेगा, कृपया करके आप इन श्राप से हमें मुक्त कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा देखो एक बार किसी साधु ब्राह्मण के मुख से वचन निकल गए तो वे तो होकर रहने हैं, तो वेदशिरा ऋषि आपको सांप तो बनना होगा, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि मैं वरदान देता हूं कि सांप बनोगे लेकिन जिस दिन स्वयं भगवान कृष्ण आपके मस्तक पर अपना चरण रखेंगे, स्वयं कृष्ण अपना पदार्पित आपके मस्तक पर करेंगे और भगवान कृष्ण के द्वारा आपका उद्धार होगा। पीछे से वो अश्वशिरा बोला प्रभु मेरा क्या, उसके मस्तक पर तो रख देंगे कृष्ण, अपना कुछ करो, मैं तो कौवा, सांप तो थोड़ा भी कुछ अच्छा लगता है,
शिव जी का वाहन कौवा, कौवे को कौन पूछेगा? तब भगवान विष्णु ने कहा, आप भी चिंता मत करो, आपने मेरा भजन किया है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप बहुत बड़े ज्ञानी बनोगे, आप त्रिकालदर्शी बनोगे और आपका नाम होगा काकभूषणी। आपने सुना होगा काकभूषणी, रामायण में काकभूषणी का जिक्र आता है। कुछ दिन पहले जगन्नाथ रथ यात्रा थी तो राजा इंद्रद्युम्न की कथा में है ना, वो गल माधव के साथ जब उनका युद्ध होता है तो गवाही देने के लिए वहां पर काकभूषणी थे। काकभूषणी त्रेता में भी थे, सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे। सो वेद शिरा ऋषि कालीय नाग बने और अश्वशिरा ऋषि काकभूषणी बने। इस प्रकार कालीय नाग का ये पूर्व जन्म का इतिहास है। भक्तों, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछा। इस प्रसंग के प्रारंभ में तीन प्रश्न पूछे महाराज परीक्षित का। पहला प्रश्न, ये सब श्लोकों में है, हमारे पास समय कम है इसलिए मैं सार सार बातें कह रहा हूं। महाराज परीक्षित कहते हैं कि सुखदेव जी, कालीय नाग बहुत सुंदर और रमणीय स्थान है, रमणक द्वीप। रमणक द्वीप जो है बहुत सुंदर और रमणीय स्थान है, ऐसा लोग कहते हैं कि आज का जो फिजी है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बगल में जो फिजी है उसे रमणक द्वीप कहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है, पता नहीं। लेकिन रमणक द्वीप, इस सुंदर स्थान में कालीय नाग रहता था, तो उस रमणक द्वीप को छोड़कर कालीय नाग व्रज वृंदावन में कैसे आ गया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, प्रभु कालीय नाग जो है ना वो तो स्थलचर जीव है। कालीय नाग, नाग कहां रहता है? नाग तो भूमि पर रहता है ना, तो भूमि पर रहने वाला आदमी पानी में कैसे रहने लगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, भूमि पर रहने वाला जीव पानी में कैसे रहने लगा, ये बात समझ में नहीं आई। और तीसरा प्रश्न कि भयंकर कालीय नाग में भयंकर विष था, और भयंकर विष युक्त कालीय नाग होते हुए भी गरुड़ जी से वे क्यों डरते थे? गरुड़ जी से कालीय नाग क्यों परेशान थे, क्यों डरते थे? कृपया करके ये तीनों प्रश्न का उत्तर देते हुए हमें ये कालीय दमन की लीला सुनाइए, श्रवण कराइए। सो भक्तों, सुखदेव गोस्वामी उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। वे कहते हैं कि महाराज कश्यप ऋषि की 16 पत्नी थी, उनमें से एक पत्नी का नाम था कद्रु और एक का नाम था विनीता। अब ये बहुत बड़ा इतिहास है भक्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा। कद्रु और विनीता दोनों सौतन थी, और कद्रु और विनीता के बीच में कुछ कंपटीशन थी, कुछ झगड़ा हुआ था, और फिर विनीता के वहां अरुण और गरुड़ का जन्म हुआ, और गरुड़ ने अपनी गरिमा से स्वर्ग लोक से अमृत लाकर कद्रु को प्रदान किया और उनके चंगुल से मुक्त हुए, ऐसी कथा है। लेकिन जब से गरुड़ जी अपनी माता विनीता को कद्रु के पास से मुक्त किए, तब से गरुड़ जी की दुश्मनी सर्पों के साथ हो गई, क्योंकि कई वर्षों तक गरुड़ जी को सर्पों की माता कद्रु के बंधन में रहना पड़ा था कई वर्षों तक। और फिर वो अमृत का प्रसंग हुआ और फिर कद्रु के पास से मुक्त हुए, तो गरुड़ जी को मन में सर्पों के प्रति बड़ा द्वेष रह गया। इसलिए जैसे ही कहीं भी गरुड़ जी को स्वरूप सर्प दिखाई देता, गरुड़ जी उसे खा जाते। अब जीव जीवस्य जीवनम, प्रकृति का नियम है, इसमें कोई बाध्य भी नहीं कर सकता, इसमें उनको पाप भी नहीं लग सकता, तो गरुड़ जी सर्प को देखकर खा जाते। सारे सर्प कद्रु समेत सारे सर्प ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी ये बंदा जो है, ये गरुड़ जो है, सर्पों को देखते ही खा जाता है, लगता है कि कुछ ही समय में दुनिया में कोई सर्प नहीं बचेंगे, उसकी इतनी दुश्मनी हो चुकी है, तो ब्रह्मा जी आप हमारी रक्षा करें।
ब्रह्मा जी तटस्थ व्यक्ति के रूप में उपस्थित हुए और ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को समझाया, देखो गरुड़ जी आप मेरी एक बात मान लो। बोले क्या? बोले मैं जानता हूं कि आपका भोजन सर्प है और आप सांप को खाते हो, लेकिन ऐसे मत करो कई दिनों से कुछ खाया ना हो, जहां सब सर्प देखो खाते जाओ, सर्प देखो खाते जाओ, ऐसा मत करो। आप एक काम करो, सारे सर्पों को बुलाकर कहा कि हर महीने की अमावस्या के दिन, हर महीने की अमावस्या के दिन ये सर्प के एक फैमिली में से एक सर्प को आपके पास भेज दिया जाएगा और आप उसे खा लेना, अपना आपका भी जीवन चलेगा, ये सर्प का वंश भी रह जाएगा। नहीं तो आपने जो स्पीड पकड़ी है सर्प खाने की, कुछ लोग भक्ति में भी इतनी स्पीड पकड़ लेते हैं कि 2-3 महीने में तो 64 माला 128 पहुंच जाते हैं, फिर इतना जल्दी गिरते भी हैं। तो प्रभु आपने सर्पों को खाने की इतनी स्पीड पकड़ी है गरुड़ जी कि सर्प का वंश ही खत्म हो जाएगा, तो ऐसा मत कीजिए। हर महीने की अमावस्या के दिन सर्प के फैमिली से, परिवार से एक सर्प आपके पास आ जाएगा, आप उसे खा लेना। गरुड़ ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी जैसे वरिष्ठ अधिकारी कोई कहता है तो ब्रह्मा जी उसे स्वीकार कर लिए, गरुड़ जी उसे स्वीकार कर लिए और प्रति महीने गरुड़ जी के पास भोजन आ जाता। सर्प के परिवार से एक एक फैमिली से एक एक सर्प को भेजते हर अमावस्या के दिन। अब क्या हुआ, ये करते 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 ये कालिया नाग का टर्न आया। कालिया नाग के फैमिली से गरुड़ को खाने का टर्न आया। अब कालिया नाग के परिवार वाले तो सज्जन थे, उन्होंने भोजन तैयार किया, एक सर्प को तैयार किया और गरुड़ के पास भेज रहे थे। लेकिन कालिया नाग को बड़ी ईर्ष्या हुई, इतनी ईर्ष्या हुई कि जो भोजन तैयार किया था वो भी खा गया, जो सर्प को तैयार किया था उसे भी वापस भेज दिया। बोले हम कोई गरुड़ को कुछ नहीं देने वाले। और गरुड़ जी को जब पता चला तो कालिया नाग के साथ धमासान युद्ध हुआ। गरुड़ जी ने कालिया को खदेड़ते 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 धमासान युद्ध करते 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 ऊपर स्वर्ग से ब्रह्मलोक से युद्ध शुरू हुआ था। कालिया ब्रह्मा के पास जाते, ब्रह्मा ने कहा तू यहां मत आ, तूने गलती की है और जो अपराध करता है उसको कोई पनाह नहीं देता। ब्रह्मलोक से स्वर्ग, जनलोक, मरलोक, पृथ्वीलोक, पाताल, रसातल, ऐसे गरुड़ जी खदेड़ते गए, कालिया नाग भागते गया और अंत में कालिया नाग अनंत शेष बलराम जी के पास पहुंचा। आप सब जानते हैं कि बलराम जी अपने एक स्वरूप से अनंत शेष के रूप में अपने मस्तक पर अनंत ब्रह्मांड को लेकर खड़े हैं। तो अनंत शेष भी नाग है और कालिया भी नाग है, तो घायल की गति घायल जाने है, इसलिए ये कालिया नाग अनंत शेष के पास गया। भगवान अनंत शेष खड़े हैं, उनके चरणों में प्रणाम किया, प्रार्थना किया, निवेदन किया, अपना नाक रगड़ा और कहा कि मुझसे गलती हो गई, क्षमा करें, लेकिन ये गरुड़ मुझे खा जाएंगे, कृपया करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान अनंत शेष ने कहा कि कालिया, क्योंकि तुम मेरी शरण में आए हो और शरणागत की रक्षा करना ये हमारा धर्म है, इसलिए मैं तुम्हें निवेदन करता हूं, गरुड़ से यदि अपनी रक्षा चाहते हो तो व्रज वृंदावन में यमुना नदी में जाकर छुप जाओ, उस व्रज वृंदावन में यमुना नदी में रहो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने कहा लेकिन वो गरुड़ मुझे छोड़ेगा नहीं। अनंत शेष ने कहा चिंता मत करो, गरुड़ व्रज में आने की बात तो दूर रही, गरुड़ व्रज को देखेगा भी नहीं। गरुड़ जी व्रज में आ ही नहीं सकते, व्रज को देख भी नहीं सकते। बोले कारण क्या, मुझे रीजन भी बता दीजिए। परीक्षित महाराज ने पूछा और आगे रीजन बताया। इसका कारण यह था कि शौभरी ऋषि जब ब्रज में तपस्या करने आए, जब डिस्टर्बेंस उनको लगा तो यमुना के भीतर जाकर तपस्या करने लगे और उस समय गरुड़ जी यमुना में से एक मछली को उठाकर खाने लगे। वो मछली शौभरी ऋषि को प्रार्थना करने लगी और शौभरी ऋषि ने गरुड़ को श्राप दे दिया कि आज के बाद तू यहां पर दिखा तो मैं तुझे श्राप देता हूं, तू मर जाएगा। तो गरुड़ के लिए वो जो रद था, जो यमुना जो थी वो शापित थी,
इसलिए गरुड़ जी शौभरी ऋषि के श्राप से वहां पर नहीं आ सकते थे, इसलिए अनंत शेष ने कालिय नाग को ब्रज में यमुना में भेज दिया। तो अब प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, कालिया ब्रज में आ चुका है और ब्रज में अकेला नहीं है, अपनी बहुत सारी पत्नियां थी, कालिय नाग का बहुत बड़ा समाज था। और कालिय जानते हो ना, कालिया है? कालिया जहां पर खड़ा रहता है वहीं से लाइन शुरू होती है, कालिया 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 है? ये गृहस्थ लोग जानते हैं, कुछ समय पहले ये डायलॉग बोला गया था। सो खैर, तो कालिय नाग जो था बड़ा अहंकारी था, उसे अपने विष का बड़ा अभिमान था। और कालिय नाग अपनी पत्नी अपने समाज के साथ वहां रहता और इतना विष उगलता, इतना विष उगलता कि यमुना का वो जो हृदय है वृंदावन में, एक कई योजन तक यमुना का जो हृदय है वो विषैला हो चुका था। उसमें रहने वाले जलचर जीव जंतु भी मर चुके थे। यहां तक वर्णन है कि उस विष का इतना प्रभाव कि उसके ऊपर से कोई पक्षी भी उड़कर जाए तो तुरंत गिर जाए, विष की गंध मात्र से लोग मर जाते थे, इतना भयंकर विष फैला कर रखा था कालिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि मेरा नाम जहां पर कोई लेता है, मेरा नाम यदि कोई अपनी जीवा पर ले लेता है तो वह जन्म जन्म के दुख से मुक्त हो जाता है, और मैं स्वयं कृष्ण यहां पर हूं और मेरे ब्रजवासी भक्त ये कालिय नाग से परेशान है। कृष्ण ने सोचा कि कल कालिय नाग का मैं उद्धार करूंगा। भक्तों, कुछ दिन पहले बलराम जी का जन्मदिन हमने मनाया। आप जानते हो कृष्ण ने बलराम जी को गिफ्ट में क्या दिया? भगवान कृष्ण ने बलराम जी को गिफ्ट में, बर्थडे गिफ्ट के रूप में कालिय नाग दिया। क्योंकि ये उस दिन की बात है जिस दिन बलराम जी का जन्मदिन था। ये कालिय नाग की लीला कब हुई? आचार्य लिखते हैं बलराम जी के जन्म के दिन कालिय दमन हुआ था। तो अनंत शेष प्रभु ने मुझ पर कृपा की है, दो दिन पहले ही बलराम जी का जन्मदिन था और दो दिन पहले ही कालिय को मारा गया, मारा माने कालिय का दमन किया गया था। तो हम लोग भक्तों बिल्कुल टाइम टू टाइम चल रहे हैं। सो इन्हीं दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने कालिया दमन किया था। आचार्यों ने टीका में लिखा है, ये बात आगे आएगी। तो अब बलराम जी का जन्मदिन था और कृष्ण रोज सुबह जगकर अपने गोप सखाओं के साथ गाय और बछड़ों को लेकर वन में उसे चराने के लिए लेकर जाते हैं। आज क्या हुआ? कृष्ण ने बलराम जी को योग माया से सुला दिया और सारे सखा आए और बलराम को चुपचाप छोड़कर कृष्ण अकेले ही सखाओं के साथ वन में चले गए। याद रहे कि जब जब कृष्ण गाय बछड़े चराने गए हैं बलराम के साथ ही गए हैं, लेकिन केवल दो बार ब्रज लीला में, वृंदावन लीला में केवल दो बार कृष्ण बलराम जी को अपने साथ लेकर नहीं गए। एक जिस दिन कालिया दमन करना था और दूसरा जिस दिन दावाग्निपान, कृष्ण को दावाग्निपान करना था। क्योंकि कृष्ण जानते, इसके छह कारण है। एक कारण, एक कृष्ण जानते थे कि यदि बलराम को साथ लेकर जाऊंगा तो ये बलराम मुझे यमुना में कूदने नहीं देगा। आपने सुना ही होगा बलराम जी पांचों रसों में कृष्ण की सेवा करते हैं, तो एक वात्सल्य रस से भी सेवा करते हैं, कृष्ण को दूर नहीं जाने देते, यमुना में गहराई में नहीं जाने देते। बोले बलराम साथ में होगा तो मुझे कूदने नहीं देगा, इसलिए जानबूझकर कृष्ण ने बलराम को छोड़ दिया। पहला कारण। दूसरा कारण, कृष्ण बलराम जी को लेकर नहीं गए। दूसरा कारण, उस दिन बलराम जी का जन्मदिन था और जन्मदिन के कारण बलराम के हाथों से गायों का दान कराना था, बलराम जी के हाथों से सेवा करवानी थी, इसलिए कृष्ण बलराम जी को लेकर नहीं गए। तीसरा कारण, बलराम जी अनंत शेष है। बलराम जी जो है, बलराम जी का एक स्वरूप अनंत शेष का है, इसलिए आप समझ सकते हो कि बलराम जी का शेष के प्रति अर्थात नागों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है।
क्योंकि स्वयं बलराम जी अनंत शेष, अनंत शेष उनसे प्रकट होते हैं, तो सर्प के प्रति, नाग के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। कृष्ण ने सोचा कि मैं कालिया का दमन करूंगा और बलराम को दया आ गई तो मेरी लीला वो कंप्लीट नहीं होने देगा, इसलिए सोचा कि इनको सुला कर ही चला जाऊं ताकि मुझे लीला में डिस्टर्ब ना हो। चौथा कारण कि अनंत शेष ने, शेष जी ने ही कालिया नाग की रक्षा की थी। अभी आपने सुना ना कि अनंत शेष ने ही कहा था कि व्रज में जाकर आप रहो, अब जब शेष ने ही कहा कालिया को कि यमुना में रहो और फिर शेष का छोटा भाई कृष्ण ही उनको मारेगा, तो वो कहेगा ना कि आपके कहने पर आया था और मुझे मरना पड़ा और कृष्ण को उसको छोड़ना पड़े, इसलिए कृष्ण बलराम जी को साथ में लेकर नहीं गए। और पांचवा कारण कि जब भगवान कृष्ण यमुना में गिरेंगे, उस कालिया का दमन करने के लिए कूदेंगे, तब ब्रजवासी गण बहुत चिंता में आ जाएंगे और उस समय ब्रजवासी गण स्वयं यमुना में कूदकर अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाएंगे और उस समय सारे ब्रजवासियों को रोकने के लिए कोई बंदा चाहिए, इसलिए कृष्ण बलराम को घर छोड़कर गए कि बलराम जी अपने हल से सबको रोक कर रखें, किसी को सुसाइड न करने दे, आत्महत्या न करने दे। और छठा कारण आचार्यों ने अपनी टीका में लिखा कि कृष्ण ने सोचा कि मैं जब कालिया का दमन करूंगा तो सभी लोग चिंता में पड़ जाएंगे, बलराम यदि होगा तो बलराम सबको ज्ञान देगा और ज्ञान के माध्यम से सबको जीवित रखेगा, तो यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को छोड़कर स्वयं गोप गाल ग्वाल सखा को लेकर वन में चले गए। अब क्या हुआ, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल है, जैसे ये मेरे बाजू में आप देख रहे हैं ना, कृष्ण छोटे से बछड़े को लेकर बड़ा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो ब्रज में गाय और बछड़ों को चरा रहे थे और चराते चराते दोपहर का समय भूख लगी, कृष्ण अपने सखाओं के साथ भोजन करने बैठे और गैया चरते 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 उस कालिय रद तक पहुंच गई। और जैसे ही कालिय रद तक गैया पहुंची और धूप के कारण बड़ी प्यास लगी और गाय बछड़े ने जैसे ही वह कालिय रद का विषैला जल पिया, वे गैया मर गई। सारे गोप ग्वाल सखा दौड़कर आए कृष्ण के पास, कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण अनर्थ हो गया, क्या हुआ? बोले हमारी गाय कालिय रद के पास चली गई और उन्होंने विषैला जल पिया और गाय और बछड़े, बहुत मात्रा में गाय और बछड़े मर गए, अपना प्राण त्याग दिया। कृष्ण दौड़ कर गए, कृष्ण को बड़ी है? बिल्वा मंगल ठाकुर कृष्ण करणामृत में लिखते हैं कि अपने बछड़े की रक्षा करने के लिए बछड़े को कोई कांटा लग जाए, बछड़ा थोड़ा सा चिल्लाए और कृष्ण दौड़ कर उस बछड़े के पास जाते हैं। जितना प्रेम से, जितनी त्वरा से कृष्ण अपने गोप सखा और बछड़े के पास दौड़कर जाते हैं, उतना बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वियों के पास दौड़कर नहीं जाते हैं। यह है कृष्ण, कृष्ण प्रेम के भूखे हैं, ब्रजवासियों ने कृष्ण से प्रेम किया है, कृष्ण दौड़ कर गए, पर ये तो भगवान है, भगवान की अचिंत्य शक्ति है। वहां पहुंचकर उन गाय और बछड़ों के मस्तक पर कृष्ण ने अपना वरद हस्त घुमाया और उनको जीवित कर दिया। गाय बछड़े तो जीवित हो गए लेकिन कृष्ण की आता माजी सटकली हो गई, बोले मैं यहां पर हूं और मेरी गाय, मेरी, मेरे बछड़ों को इस प्रकार से, ऐसी परिस्थिति, आज मैं कालिया को नहीं छोड़ूंगा। उसी समय ऐसा वर्णन है भक्तो, विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन है कि कृष्ण वहां बहुत बड़ा कदम का वृक्ष था, उस कदम के वृक्ष पर चढ़े और उस वृक्ष से उस हृदय में कूदे। सारे सखाओं ने, गोपों ने चिल्लाए, नहीं कृष्ण नहीं, वहां कालिया है, लेकिन कृष्ण किसी की नहीं माने और कृष्ण उस यमुना में कूदे और यमुना का जल ऊपर उछला। कहते हैं यमुना का जल उस कदम के वृक्ष को स्पर्श हुआ
पर स्पर्श होते ही वह जलकर राख हो गया। इतना विषैला जल था कि उस वृक्ष को राख कर दिया, उनकी डालियों को गिरा दिया। और कृष्ण उस यमुना की गहराई में गए। आचार्यों ने बहुत सारे पद लिखे हैं, बहुत सारी बातें लिखी हैं भक्तों। ये कालिय दमन लीला भागवत में भी है, ब्रह्म वैवर्त में भी है, गर्ग संहिता में भी है, सूरदास जी ने भी वर्णन किया है, अनेक आचार्यों ने अपने अपने कुछ कुछ भाव व्यक्त किए हैं। लेकिन संक्षिप्त में इतना ही समझिए, वो कालिया सो रहा था और भगवान श्री कृष्ण वहां पर पहुंचे और कालिया की पूंछ के ऊपर जोर से अपना पांव रखा और सीधा कालिया जगा। पहले तो देखा कि ये छोटा सा बालक, कोमल सा बालक यहाँ पर क्या करने आया है। पहले तो कालिया को लगा कि यमुना में खेलते खेलते गिर गया होगा, लेकिन ये गिरा नहीं था, ये गिराने आया था। तो भगवान श्री कृष्ण कालिया को ललकारने लगे और कालिया नाग की पत्नी कृष्ण को प्रार्थना करने लगी, कृष्ण तुम इतने मासूम हो, इतने कोमल हो, तुम हमारे पति को नहीं जानते हो, ये किसी को नहीं छोड़ता, अभी भी हम प्रार्थना करती है कि तुम यहां से चले जाओ। बड़े आचार्यों ने भाव लिखे हैं, लेकिन इतना ही समझिए कि कृष्ण और कालिया नाग का युद्ध प्रारंभ हुआ, दमासान युद्ध। कालिया नाग तेज गति से कृष्ण के पास आता, कृष्ण ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा साइड में हो जाते, कालिया आगे चला जाता, फिर से रनिंग लेकर, दूर से रनिंग लेकर कालिया आता, कृष्ण ज्यादा नहीं, थोड़े से बाजू में होते, पीछे चला जाता। ऐसे कालिया नाग को आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत घुमाया कृष्ण ने, और फिर जैसे तैसे, अब समय भी हो चुका है, लेकिन जैसे तैसे भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ गए और मस्तक पर चढ़कर कालिया नाग के मस्तक के ऊपर अपना चरण पदार्पित करने लगे। कालिया नाग का विष भयंकर था और कालिया नाग की सहस्त्र फैन थी, अपनी एक फैन को ऊपर करता और उस फैन में अनेकों बहुत विष था, और भगवान श्री कृष्ण अपना चरण उस फैन के ऊपर इतना जोर से रखते कि वो तिल मिला जाता और उसके मुख से पूरा विष वॉमिट उल्टी हो जाती, बाहर निकल जाता। तेज गति से वो दूसरी फैन ऊपर करता, कृष्ण उसके ऊपर चरण रखते, तीसरी फैन, चौथी फैन, ऐसा वर्णन है भागवत में लिखा है। कृष्ण ने सोचा कि दुनिया के लोग बहुत प्रकार के डांस करते हैं, कुछ लोग रेन डांस करते हैं तो कुछ लोग रॉक डांस करते हैं, लेकिन कृष्ण की इच्छा हुई कि आज कालिया डांस करो, कालिया नाग के फैन पर डांस करो। और ये भाव नारद मुनि को पता चला, देवराज इंद्र, गंधर्व, चारण, विद्याधर, यक्ष, आकाश में अनेकों देवता आए और बाजे बजाने लगे और उस थिरकन पर भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर नाचने लगे। दूसरी ओर ये गोप ब्रज में गए, सारी गोपियां, यशोदा मैया आई, मूर्छित हो गई, बलराम जी सबको रोकने लगे, बलराम जी सबको समझाने लगे, और अब अंत में बलराम थक गए तो कृष्ण को प्रार्थना करने लगे, कृष्ण अब जल्दी बाहर निकलो, उसे मारना है तो मारो, मारकर जल्दी बाहर निकलो, अब इन लोगों को रोक नहीं पा रहा हूं मैं। तो श्लोकों में बहुत सारी प्रार्थना है, स्तुतियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फण को निकाल दिए, मणि को निकाल दिए और कालिया नाग के मस्तक पर भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर नृत्य किया। और जिस मस्तक में विष भरा था और मस्तक ऊपर होता था उस पर कृष्ण अपना चरण रखते वो विष निकल जाता। ऐसा करते 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 कालिया का सारा विष निकाल दिया, कालिया बिल्कुल शक्तिहीन, बलहीन हो गया। और अंत में कालिया नाग की पत्नियां भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु 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 आप हमें विधवा मत कीजिए, अब तो हमारे पति के मुख से सारा विष निकल गया है प्रभु, ये किसी को मारने लायक बचा ही नहीं है, सारे फण निकाल दिए आपने, दांत तोड़ दिए, सारा जहर निकल गया, अब ये किसी का क्या बिगाड़ेगा, आप इसे जीवित छोड़ दिए, कम से कम हम विधवा होने से बच जाए।
और बहुत सुंदर भागवत में ये सब पढ़ने जैसी है प्रार्थना। कालिया नाग की पत्नियों ने एक बहुत सुंदर बात बताई भक्तों। कालिया नाग की पत्नी कहती है, जब से शादी करके हम लोग नागों में भी शादी होती होगी, हैं भाई ऐसा लिखा है। कालिया नाग की पत्नी कहती है कि जब से शादी करके हम इनके घर पर आई हैं, हमने नहीं देखा है कि इस बंदे ने कोई अच्छा काम किया होगा। जीते जी कालिया ने न कोई दान किया, न पुण्य किया, न धर्म किया, इस जीवन में तो कुछ नहीं किया और पूर्व जन्म में भी कुछ नहीं किया होगा। पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया होता तो नाग थोड़ी बनता, वैकुंठ में नहीं होता। नाग बना है मतलब कुछ तो किया है। लेकिन धन्य हो आप प्रभु, धन्य हो आप। बड़े बड़े ध्यानी ध्यान करते हैं, बड़े बड़े योगी योग करते हैं। शेष दिनेश गणेश महेश सुर सेहु जाहि निरंतर ध्यावे, नारद से शुक व्यास रहे पचिहारी पुनी तव पारन पावे। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग अनंत काल से प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपकी लीला को कोई पार नहीं पा सकते हैं, क्योंकि जाहि अनादि अखंड अभेद। आप अनादि हो, अखंड हो, अभेद हो, अनंत हो। आज तक ध्यानी हजारों वर्षों तक ध्यान करते हैं लेकिन उनके चरण आपके ध्यान तक में नहीं आते हैं। लेकिन प्रभु आपने हमारे पति के मस्तक के ऊपर अपने चरण रख दिए, ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। मेरे पति ने कोई अच्छा काम नहीं किया लेकिन फिर भी आपने अपने चरण हमारे पति के मस्तक पर रख दिए और हमारे पति को धन्य कर दिया, हमें धन्य कर दिया। कृष्ण, किसी ने सच कहा है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते। वास्तव में कृष्ण करुणा का सागर है, क्योंकि कुछ नहीं करने पर भी जो अपने चरण प्रदान कर देते हो, यदि हम माला जप करें, साधना करें, भक्ति करें, सेवा करें, तब तो भगवान क्या नहीं दे सकते हैं। भक्तों समय हो चुका है, 2 मिनट अधिक हो गई हैं, लेकिन मैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने बहुत सुंदर लिखा, वो कहते हैं कि जैसे कालिय नाग के मुख में बहुत विष था और भगवान कृष्ण ने क्या किया, कालिय नाग के मस्तक पर नृत्य किया, कालिय नाग के मस्तक पर कृष्ण नाचे। चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं सारा दर्शनी में कि जैसे कालिय नाग के हृदय में मुख में विष था, वैसे हमारे हृदय में भी बड़ा विष है। आप लोगों को नहीं, मेरे जैसों की बात कर रहा हूं, मेरे जैसे लोगों के हृदय में विष भरा है। विष क्या है? दूसरों की निंदा करना, दूसरों की ईर्ष्या करना, दूसरों को अपराध करना, किसी का प्रोग्रेस हो रहा हो तो हृदय जलना, पर सुख, दूसरे की प्रगति को देखकर हृदय में कष्ट होना, ये विष के समान है, ये जहर के समान है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कालिय के मस्तक के ऊपर नृत्य किए और सारा विष निकल गया, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय में जो विष है उसे निकालना चाहते हैं तो कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। यदि कृष्ण के नाम को हमारी जीवा पर नचाएंगे तो हृदय में जो भी विष है ये सारा विष बाहर निकल जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हमें इस हृदय के विष से मुक्त होना है तो कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए। ठाकुर भक्ति विनोद ने इन सारे असुरों को एक प्रतीक प्रदान किया, ये कालिय जो है ये विश्वासघात दगाबाजी करने का प्रतीक है। यदि इस प्रकार के दोष और दुर्गुण हमारे हृदय में हैं, यदि हम कृष्ण का नाम लेते हैं, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं। कलयुग में भगवान कृष्ण ने नाम के रूप में अवतार लिया है, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम नामकारी बहुधा निज। सारी कृष्ण की जो शक्ति है कलयुग में उनके नाम में है। यदि हम इस नाम का उच्चारण करते हैं तो हृदय के विष से हम मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिय का दमन किया, विष से मुक्त किया और कृष्ण ने कहा कि रमणक द्वीप में चले जाओ, मेरे चरण तुम्हारे मस्तक पर पड़े हैं, गरुड़ जी इसे देखकर अब तुम्हें कभी नहीं छुएंगे, तो
तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। सो कालिया अपने जगह पर सेफ हुआ और यहाँ यमुना का जल अमृत से भी अधिक मधुर कृष्ण ने बना दिया। तो इस प्रकार संक्षिप्त में, बड़ी संक्षिप्त में हमने आपको हमारी मति के अनुसार सुनाया। इसमें बहुत सारी त्रुटियां होगी, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी भक्तों को और विशेष धन्यवाद देता हूँ हमारे अनंत शेष प्रभु को। अनंत शेष प्रभु, आपका स्वभाव बड़ा मधुर है। आप भले मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको बहुत जानता हूँ और मैं आप जैसा बनने का प्रयास करता हूँ। भगवान मुझ पर कृपा करे तो मैं सोचूं कि बस मुझे ऐसा स्वभाव मिले। प्रभु वहाँ महाराष्ट्र में अपना चामोर्शी में तो बहुत बार आना हुआ लेकिन नागपुर में केवल एक दो बार ही मैं आ पाया, मैं इतनी सेवा नहीं दे पाया। लेकिन दास आपकी सेवा में है, परम पूज्य लोकनाथ महाराज की बड़ी कृपा है, उन्होंने कहा है कि जब भी आप यहाँ पर आओ तो आप कथा प्रवचन आदि करो, तो नाचाओ 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 से मते। आपने आज हमें ये मौका दिया और इसी प्रकार से कभी कोई सेवा हो तो हम आपसे प्रार्थी हैं, आभारी हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के, श्री प्रभुपाद के, श्री कालिया दमन लीला के, निताय गौर प्रेमानंद हरी हरी बोल। श्रीमान लाल गोविंद जी धन्यवाद। अभी मुख से एक ही शब्द आता, अभी तो दिल भरा नहीं। तो प्रभु जी अभी तो रस को प्रारंभ ही किए थे, अभी तो मन भरा नहीं था सिर्फ भक्तों का। तो अभी अभी हम प्रश्न शायद प्रभु जी तक पहुंचाऊंगा। हमारा मैसेज संदेश हम भिजवाए है कि यहाँ 17 दिन प्रभु जी और एक दिन अगर एक्सटेंड कर पाए, क्योंकि कालिया दमन का इतना भी रस जो प्रभु जी दिला रहे थे, प्रभु जी से पूछना चाहेंगे कि प्रभु जी का काफी बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल है क्योंकि कालिया दमन का इतना सुंदर अभी भाव को वर्णित किए, उस भाव को भी अगर। अनंत शेष प्रभु, मैं शेड्यूल देख लेता हूं और फिर मैं आपको रिपोर्ट करता हूं प्रभु। जरूर जरूर जरूर। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कुछ प्रश्न भी आ रहे थे तो प्रश्न के लिए प्रभु जी एक दो प्रश्न कुछ ले पाएंगे कि ठीक है। कालिया को क्यों कृष्ण नहीं मारा, कोई प्रश्न पूछे। कालिया को क्यों भगवान श्री कृष्ण ने नहीं मारा, तो एक तो कालिया में गुण था, कालिया ने ब्रज का आश्रय लिया था। जो व्यक्ति जैसे तैसे भी ब्रज का आश्रय लेता है या किसी शुद्ध भक्त का आश्रय लेता है तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। और दूसरी बात, अपने बड़े भाई का भी इज्जत रखना था, नाम रखना था, क्योंकि बलराम जी ने कहा था कि मैं कहता हूं कि तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, इसलिए बलराम जी की बात को रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को नहीं मारा। धन्यवाद, थैंक यू। और एक प्रश्न पूछ था कि आपने जिस प्रकार से बताया कि कालिया दमन जिस दिन हुआ उस दिन बलराम जी का जन्मदिवस था, तो कुछ भक्त पूछे कि धेनुकासुर ने, क्षमा कीजिए, ब्रह्म विमोहन लीला जब हुई थी, अघासुर वध हुआ था, क्या उस समय भी बलराम जी का आविर्भाव था, बलराम जी उस समय भी नहीं थे? वो तो पता नहीं, लेकिन इस प्रसंग में आचार्य ने टीका में लिखा है, कमेंट्री में लिखा है, जो हमने पढ़ा था कि बलराम जी का जन्म तिथि था इसलिए नहीं। अब उनका तो पता नहीं मुझे एग्जैक्टली क्यों कैसे है। तो एक बार पुनः सभी भक्त और सभी प्रभु जी का विशेष धन्यवाद। प्रभु जी का इतना सुंदर सरस भाव में और इतने मधुर वाणी में प्रभु जी हमें इस कालिया दमन का श्रवण कराए। निश्चित रूप से अभी जन्माष्टमी हर कृष्ण भावना को अधिक प्रगाढ़ किया प्रभु जी ने, और आशा करते हैं अभी कुछ हम चाहते थे कि प्रभु जी और एक सत्र ले, तो प्रभु जी को हमने मैसेज भेजा है, प्रभु जी विचार करके सूचित करेंगे। अगर संभावना रही तो निश्चित रूप से शीघ्र ही हम प्रभु जी के मुखारविंद से भी श्रवण करेंगे कथा का। तो पुनः पुनः लाल गोविंद जी धन्यवाद। और प्रभु जी से प्रार्थना भी करते हैं केवल यहाँ जन्माष्टमी कृष्ण कथा कथामृत महोत्सव में नहीं, आगे भविष्य में भी प्रभु जी हमें कभी समय दे अवश्य यहाँ पर महाराष्ट्र भारत के कई स्थानों के भक्त भी जुड़े हैं जो प्रभु जी मुखारविंद से सुनना चाहते हैं इस कृष्ण कथा को आगे भी। तो धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी की। तो कल